दोस्तों आज हम आए हैं ऐसे किसान के पास जो खुद शहद निकालते हैं और ओरिजिनल शहद बेचते हैं। आपने सुना होगा कि बाजार में आजकल नकली शहद आ रहे हैं, मगर हम प्रभात जी के पास आए हैं जो खुद शहद की खेती करते हैं और खुद ही निकाल के बेचते हैं। तो प्रभात जी अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रभात फोगाट है। मैं MSc एग्रीकल्चर कर चुका हूँ, PhD कंटिन्यू कर रहा हूँ और हमारा जो भी फार्मिंग हमारा पैतृक काम है। फादर साहब 22 साल से हम भी फार्मिंग कर रहे हैं, पहले मेरे फादर साहब करते थे, अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम थोड़ा एक एडवांस लेवल पे आए हैं, हम अपना हानि खुद निकाल के उसको पैक करके पूरे मार्केट में ऑल ओवर पैन इंडिया हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम खुद का नेचुरल और ऑर्गेनिक हानि आप सबको प्रोवाइड करा सकते हैं। किसी को भी किसी तरह का हानि चाहिए हो, हमारे पास अराउंड 10 से 12 वेराइटीज का हानि है। हम आपको विदाउट एनी कोरियर चार्जेस हम आपको डोर स्टेप पे प्रोवाइड करा देंगे। प्रभात जी आप क्या गारंटी देते हैं कि आपका शायद असली ही होगा, भाई मार्केट में कोई टेस्ट या किस तरह से? हमारे लैब टेस्टेड भी है और हम अपने खुद अपने हाथ से निकालते हैं, हम अपने फार्म पे निकालते हैं, अपने प्रोसेस यूनिट हमारे आगे प्रोसेस पैक होता है। तो हम उसको एश्योर कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि 100% नेचुरल और प्योर हनी हम आपको दे रहे हैं। हनी प्रोसेसिंग और बी फार्मिंग हमको काफी बार अवार्ड मिल चुके हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। इस साल भी हमको 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे आप पीछे देख पा रहे हो श्री मनोहर लाल खट्टर जी से, जो पहले हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी से, और इस साल भी हमको जो है नेशनल अवार्ड मिला, प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड मिला है दिल्ली ICR में, जो कि पूरे इंडिया में 4 फार्मर्स को मिला है, एक उनमें से हम थे, हमको बी फार्मिंग और बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ हनी के ऊपर मिला। बाकी हम मैंने आपको 1-2 तरीके बताए हम कैसे टेस्ट करके हम इसको पता कर सकते हैं ओरिजिनल है नकली है। शहद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड शहद आता है, तो आज हम बताएंगे कि शहद की ओरिजिनल रियल हनी और एक अडल्ट्रेटेड हनी में क्या पहचान हो और कैसे हम उसको पहचान कर सकते हैं। तो बड़े ईजी मेथड हैं, 2 से 3 मेथड हम घरेलू नुस्खे अपना के हम बता सकते हैं कि शहद नेचुरल है या कुछ अडल्ट्रेटेड है। तो एक हमको एक शहद लेना कोई भी, तो उसमें हम एक चम्मच निकाल के, और पहली बात तो हम उसको ऐसे डालेंगे, अगर उसकी लेयर बन रही है, वो बूंद बूंद होगी नहीं गिरा है, लेयर बन रही है तो नेचुरल है। दूसरा हम इसको एक हनी का जो जमना हो नेचुरल प्रोसेस होता है। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि अगर हनी जम गया तो अडल्ट्रेटेड, ये देखिए पूरा हनी जमा हुआ, पूरा सॉलिड हनी घी की तरह है। तो हनी का एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो क्रिस्टलाइज होगा, तो आप इसे ना घबराएं कि अगर जम रहा है उसको, आप अगर उसको लिक्विड करना है तो आप उसको धूप में रख सकते हैं या गर्म पानी में रख सकते हैं। तो ये भी एक इसका हनी का नेचुरल फॉर्मेट होता है। उसके बाद हम एक चम्मच शहद को हम पानी के अंदर डाल के देखते हैं, अगर वो पानी के अंदर डायरेक्ट नीचे जाके जम रहा है तो वो ओरिजिनल शहद है। ये मैं आपको मस्टर्ड का हनी डाल के दिखा रहा हूँ जो कि पूरा जमा हुआ है, ये देखिए जमा हुआ शहद है, और इसका रियल टेस्ट जो है, जो पहले हम शहद खाते थे उस तरह का आता है। इसके अलावा हमारे पास वेराइटीज ऑफ हनी है, हमारे पास जैसे मैंने बताया मस्टर्ड का हनी है, ये लीवर को डिटॉक्सीफाई करने में बहुत अच्छा रहता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, वेट मैनेजमेंट को करने में बहुत अच्छा रहता है। इसको अर्ली इन द मॉर्निंग हम 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद ले सकते हैं। उसके बाद आता रेगुलर हनी, जो हम जाके बाजार में रेगुलर रन मानते हैं, रेगुलर हनी मल्टी फ्लोरा है, जम्मू कश्मीर से एक्सट्रैक्टेड, हम जम्मू कश्मीर के फ्लावर से, नेचुरल फ्लावर से ये हनी निकाल के और यहाँ पे हम दे रहे हैं। उसके बाद आता है अपना नीम का शहद, ये नीम के फ्लावर से, नेचुरल जो नीम के फ्लावर्स होते हैं हरियाणा में, उसके ऊपर मधुमक्खी बैठ के और नीम के फूल से शहद निकालती है। इसमें नीम के सभी गुण हैं, लाइक ये डायबिटिक पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, जिसको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड में इन्फेक्शन है, कुछ भी है वो यूज़ कर सकता है, स्किन की प्रॉब्लम्स वाला पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। उसके बाद आता है अपने पास तुलसी हनी, ये तुलसी हनी मेनली एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीवायरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको हम कोल्ड कफ में विंटर्स के सीज़न स्टार्ट होने से पहले 1-2 महीने रेगुलर कंज्यूम कर लें तो पूरे विंटर से हमको कोल्ड कफ नहीं होगा। अपने बच्चे को हम 1-2 महीने पूरा इसको 1 बोतल या 2 बोतल कंज्यूम करा देते तो उसको विंटर्स में उसको कोल्ड कफ नहीं होगा और काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके बाद आता है हमारे पास रो हनी, जो फॉरेस्ट के, जो वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया से, डीप फॉरेस्ट एरिया से हम निकालते हैं, ये खाने के में ठंडक रहता है। काफ़ी लोग मानते हैं शहद गर्म होता है, बट ऐसा भी नहीं है, शहद डिपेंड करता है हम किस चीज़ के साथ लेते हैं, तो ये काफ़ी ठंडक प्रोवाइड करता है। और उसके बाद एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास बी पोलन, और आप ये शहद कोई भी ऑर्डर करने के लिए पूरे पैन इंडिया में आपके स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। यह है बी पोलन, ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसमें वेरियस मल्टीविटामिन है, इसका निकनेम जो है सुपर फूड होता है। तो इसके जो है दानेदार होता है, नेचुरल बॉक्स से निकलता है, देखिए इसको आप आधी चम्मच खाएंगे एक दिन में, एक बंदे के लिए वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा बॉडी हमारी कंज्यूम नहीं कर पाएगी।
तो इसको हम रेगुलर अपनी डाइट में यूज करेंगे, जो भी हमारी डेफिशिएंसी होती है विटामिन की, प्रोटीन की, मिनरल्स की, ये सबको पूरी करता है। इसमें 22 तरह के अमीनो एसिड है। और अगर हम कंपेयर करें इसको और शहद को कौन सा बेटर है, तो शहद में जो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू, हम मानते हैं कि शहद में कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसमें कितना कंटेंट ऑफ बी पोलन है, कितने पार्टिकल्स बी पोलन है। तो जो शहद की गुणवत्ता है वो बी पोलन की वजह से ही बनती है। अगर हम इसको डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होंगे।